हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ बायोलॉजी क्लास 10, और इसमें टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स या अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जिस भी नाम से आपकी बुक में चैप्टर दे रखा है। ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनमें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये होगा तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, वॉल प्रेशर क्या होगा, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, कौन सी फोर्स कहाँ एक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये चैप्टर आप थोड़ा सा ध्यान से करिए और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो यू विल बी वेरी मच रेडी विद योर चैप्टर फॉर द एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एम सी क्यूज। अ कंपोनेंट कॉमन इन बोथ द प्रोसेस दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। पानी को भी अब्जॉर्ब कर रहा है जो कंपोनेंट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स में भी इन्वॉल्व है, तो वो ऐसा कंपोनेंट कौन सा है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट। अब ये बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स में दोनों चीज़ों में जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है, तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, एयर, वाटर, सॉइल और लाइट। तो एयर नहीं हो सकता है, जो आपका जो ऐसे क्वेश्चन हैं तो पहले एलिमिनेट करिए। लाइट नहीं हो सकता, एयर नहीं हो सकता। अब क्या है कि कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वाटर है या सॉइल है। अब कंपोनेंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में तो वाटर है ही और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स में भी वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज रूट हेयर। आज ये क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज रूट हेयर आर सराउंडेड बाई टू लेयर्स, अमंग दीज विच वन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सर्टन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ओनली। रूट हेयर जो है उसकी दो लेयर्स होती हैं। दो लेयर क्या होती हैं, उसकी सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है ना, क्योंकि ये एक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी वाली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। देखो सिर्फ परमिएबल नहीं, दे आर सेइंग इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या हम और नाम क्या लिख सकते हैं उसका, डिफरेंशियली परमिएबल होती है, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है बाकी को रोक देती है, डिफरेंशियली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या कहीं कहीं पे इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है इट इज फ्रीली परमिएबल, ये सबको अलाउ कर देती है, ये रोकती नहीं है सॉल्यूट्स को, ठीक है, जबकि सेल मेम्ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर साइज के सॉल्यूट्स ही एंटर करते हैं बाकी रुक जाते हैं। नेक्स्ट, मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर बर्स्ट। अब मरीन फिश जो है, मरीन फिश का मतलब क्या हो गया, जो कि सी के वाटर में रहती है, मरीन रेफर्स टू सी, तो सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो ऐसे पानी में जो फिशेज रहती हैं उनकी बॉडी एक अलग तरीके से अडेप्टेड होती है। जब उनको फ्रेश वाटर में रखेंगे, टैप वाटर में रखेंगे, तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। क्यों बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब वो सी में रहती है ना, तो उनका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सलाइन वाटर के हिसाब से ही होता है। जब वो फ्रेश वाटर में आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट है तो वो फ्रेश वाटर को एंडोस्मोसिस के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो पानी उनकी बॉडी में जाता ही रहता है, अंदर जाता रहता है, वो बंद नहीं होता क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन उनकी बॉडी में काफ़ी होता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक टाइम आता है कि बॉडी फूल जाती है फिशेस के, एंड दे बर्स्ट एंड दे डाई। सो मरीन फिशेस जो हैं, अगर उनको टैप वाटर में रखेंगे, फ्रेश वाटर में रखेंगे, तो दे डाई बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है एंड देयर बॉडी बर्स्ट्स। बर्स्ट्स का मतलब समझते हैं ना, BURSTS, फट जाना, ठीक है, इट बर्स्ट्स ओपन। नेक्स्ट, अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एंड श्रिंकेज ऑफ द सेल इज ऑब्जर्व्ड इन द मीडियम। एक हमने सेल को एक सॉल्यूशन में रखा और वहाँ पे क्या हुआ, श्रिंक हो गया वो। तो सॉल्यूशन कैसा था, श्रिंकेज कहाँ उपयोगी, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि सेल का जो वाटर कंटेंट है वो मूव आउट कर जाएगा, ऑस्मोटिकली एक्टिव हो गया ना, तो जो ऑस्मोसिस है उसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर पानी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। तो वो सॉरी हाइपरटोनिक में रखा है तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वो वहाँ से सेल के अंदर से पानी मूव कर जाएगा बाहर की तरफ, एंड जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि इट इज़ लूजिंग वाटर। तो द सोल्यूशन इज ऑब्वियसली हाइपरटोनिक, श्रिंकेज हो रही तो सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, अगर सेल में वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, सेल स्वेल्स अप, देन द सोल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज हाइपोटोनिक।
और कुछ नहीं होता, अंदर बाहर सेम रेट में वाटर मूव इन एंड आउट करता है, तो इट इज़ आइसोटोनिक। नेक्स्ट, अ प्लांट मिमोसा प्यूटिका, मिमोसा प्यूटिका एक प्लांट है, शोज फोल्डिंग ऑफ इट्स लीव्स विद इन 2 to 3 seconds व्हेन टच्ड। या आप अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ेंगे, द प्लांट्स में जो एंजाइम्स पढ़ेंगे, प्लांट्स हार्मोन्स पढ़ेंगे और ग्रोथ मूवमेंट्स पढ़ेंगे प्लांट्स के, वहाँ भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि मिमोसा पुटिका की जो, अगर आप उसको टच करो तो कुछ प्लांट्स आते हैं ना जैसे टच मी नॉट है ये, तो उसकी क्या, जैसे टच करो तो उसकी लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाती है, इनवर्ट कर्लिंग हमें नज़र आती है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि टच करने से क्या होता है, उनका ऑस्मोटिक बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, कुछ ट्रिगर हो जाता है, टर्गर मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे रोल अप। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, इट विल बी टर्गर मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, अ प्लांट सेल में बर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल बर्स्ट क्यों होता है, एंडोस्मोसिस की वजह से, अगर उसको हमने कैसे सोल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा। अब लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ दे रखी कि टर्गर प्रेशर इक्वलाइजेस वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है और वॉल प्रेशर क्या होता है? वॉल प्रेशर वो होता है जो कि सेल की वॉल अंदर की तरफ, जैसे सपोज ये सेल है, अच्छा प्लांट सेल बना रहे हैं तो हम प्लांट सेल की शेप में ही बनाते हैं। सपोज ये सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये सेल अंदर वाली ऑरेंज वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ग्रीन वाली सेल वॉल है और ऑरेंज वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब जो वॉल जो अंदर की तरफ, सेल वॉल जो अंदर की तरफ सेलुलर कंटेंट्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। और टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर वो है जो कि सेल के कंटेंट्स बाहर की तरफ एग्जर्ट करते हैं, वो हम बनाते हैं डिफरेंट कलर से, आप ले लीजिए कोई और ब्लू कलर से बना लेते हैं। अब ये जो सेल के कंटेंट्स हैं ये सेल की वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ये हो गया टीपी। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, जब ये इक्वल होते हैं, इक्वलाइजेस, जब टर्गर प्रेशर इक्वलाइजेस वॉल प्रेशर, तो सेल जो है अपनी स्टेट में रहता है, उसमें फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होता, ना पानी अंदर आता है ना पानी बाहर जाता है, कोई भी फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होता, इट रिमेन्स एज सच व्हेन टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अब प्लांट सेल में बर्स्ट, अब बर्स्ट कब होगा प्लांट सेल, कि उसका वॉल प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तब बर्स्ट होगा, या अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा आ रहा है तब बर्स्ट होगा। तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं जब अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा है तो वो बर्स्ट हो जाएगा, सेल वॉल बर्स्ट हो जाएगी। तो हमारा जो अंदर से प्रेशर जो बाहर की तरफ आ रहा है वो कौन सा है, अंदर से प्रेशर हमारा आ रहा है कौन सा आ रहा है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर एक्सीड्स वॉल प्रेशर, आपका ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, व्हेन टर्गर प्रेशर एक्सीड्स वॉल प्रेशर तो द सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट्स रिक्वायर वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस इन अ सेल इज, ये प्लांट के ऑस्मोटिक बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो मिनरल रिक्वायर्ड है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, दैट इज पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया डी ऑप्शन। ये जो फोर है ये एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप का फोर है, ये नीचे की तरफ आ गया है। और अगर हम एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में बात करें तो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, प्लांट्स में इट इज पोटेशियम। नेक्स्ट, द श्रंकन कंडीशन ऑफ अ सेल इज ब्रॉट अबाउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सेल श्रिंक हो जाता है, कब श्रिंक होता है, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, प्लाज्मोलिसिस अकर करता है तो उसके जो कंटेंट्स हैं, जो प्लाज्मा है वो श्रिंक हो जाता है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा के बीच में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर जाता है। सपोज दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज दी, ये जो है उसका साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया और बाकी ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रियंस हो, वेरियस अदर ऑर्गेनल्स। तो ये वाला जो स्पेस है ये पूरा, इट विल बी फिल्ड विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो द श्रंकन कंडीशन ऑफ द सेल इज ब्रॉट अबाउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ये श्रंक किस कंडीशन में हुआ, जब हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा एंड इट इज अंडरगोइंग प्लाज्मोलिसिस। सो दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाटर अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स अकर व्हेन।
रूट्स पानी को कब अब्जॉर्ब करती हैं, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन सेल सैप, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज सॉइल इज हाई, देर इज नो लाइट, द प्लांट इज रिस्पायरिंग रैपिडली रिस्पायर कर रहा है तब अब्जॉर्ब करी, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप में हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि वाटर बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगा सेल में, ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाएगा सेल, बाहर से अंदर सेल में पानी एंटर करेगा जस्ट टू मेकअप फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है दैट विल बी हाइपरटॉनिक एज कंपेयर टू द सॉइल सॉल्यूशन, सो द वाटर विल एंटर द रूट हेयर्स. नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मलाइज्ड, सेल इज फिल्ड विद. ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्पेस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, तो देखो हमारी ये सेल वॉल थी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसके जो बीच का स्पेस है ये सारा, ये जो मैं येलो कलर से डिपिक्ट कर रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस जो है, इट इज़ फिल्ड विद विच सॉल्यूशन, इट इज़ फिल्ड विद हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन. यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वाटर अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इसमें ना अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग आंसर दिखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, इम्बिबिशन इन्वॉल्व है कि ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है कि डिफ्यूजन इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे देखो, जब वाटर रूट्स के रूट हेयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो सबसे पहले इम्बिबिशन होता है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर एंटर कर जाता है, डिफ्यूजन भी होता है, डिफ्यूजन गैसेस का होता है. ओके, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस इज, अब वाटर और मिनरल्स दोनों को एक्सचेंज कर रहा है प्लांट, सबसे इफेक्टिव प्रोसेस कौन सी है इस अब्जॉर्प्शन के लिए, डिफ्यूजन, आयनिक एक्सचेंज, ऑस्मोसिस, सारी की सारी प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सब अपना अपना रोल प्ले करती है एक पर्टिकुलर स्टेज में, सो ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अकर्स थ्रू, वाटर और मिनरल्स किस प्लांट में, किस ऑर्गन के थ्रू या किस टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो दैट इज़ यू नो वेरी वेल, द जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो फूड होता है वो जो प्रिपेयर करता है प्लांट दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, फूड के प्रोसेस को, फूड का जो ट्रांसफर है थ्रू फ्लोएम, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट, वाटर और ये डिजॉल्व मिनरल्स जाइलम के थ्रू होते हैं, ट्रांसलोकेशन हमेशा फ्लोएम के थ्रू होता है. ओके, नेक्स्ट, द रूट प्रेशर इज इनहिबिटेड बाय, रूट प्रेशर को कम कौन करता है या स्टॉप कौन करता है या इनहिबिट कौन करता है, तो रूट प्रेशर इनहिबिट बाय डिक्रीज्ड एरेशन, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, इंक्रीज्ड इवेपोरेशन. देखो, डिक्रीज्ड एरेशन, आसपास जो है सॉइल में एयर स्पेस नहीं है, एरेशन नहीं है, तो रूट प्रेशर ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम सब क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो रूट प्रेशर कम हो जाएगा. टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेंगे तो प्लांट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तभी रूट प्रेशर कम हो जाएगा. इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि रूट प्रेशर उतना कम हो जाएगा, प्लांट उतनी जल्दी प्रेशर डेवलप नहीं कर पाएगा. सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable words. The first process by which water enters into the seed coat when a seed is placed in suitable situation for germination. अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि water, plants, roots या उसके surface से कहीं से भी seeds जब water को absorb कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी processes involved हैं. सबसे पहले क्या होता है, फिर secondary stage क्या होती है, तो सबसे पहले जो है water वो imbibition के through absorb होता है. तो यहाँ पे seed coat, जब हम seed को water में रखते हैं तो seed coat water को absorb करता है by the process of imbibition. सबसे पहले imbibition की process होती है, और इम्बिबिशन की वही प्रोसेस है जिससे कि आपके जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो रेनी सीजन में फूल जाते हैं, बंद नहीं होते ना, टाइट हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इम्बिबिशन. नेक्स्ट, रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय, रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज मैनोमीटर, पकड़ी वाला जो यूज करते हैं. नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज लोअर्ड बाय द एडिशन ऑफ, अगर सेल का वाटर पोटेंशियल हमें लोअर करना है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं. वाटर पोटेंशियल, देखो वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर वाटर ज़्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. अगर हमने उसमें सॉल्यूट्स ऐड कर दिया, मेटाबोलाइट्स ऐड कर दिए या सॉल्ट्स ऐड कर दिए, तो उसकी क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट्स लिख दीजिए, दैट इज़ द सेफेस्ट वर्ड.
आप मेटाबोलाइट्स भी रख सकते हैं, सॉल्ट्स भी लिख सकते हैं। मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ द सेल इज यूटिलाइज्ड इन डैश अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर सेल जो है दो तरीके से अब्जॉर्ब करता है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन एंड पैसिव अब्जॉर्प्शन। अब पैसिव अब्जॉर्प्शन में ऑब्वियसली देर इज नो यूजेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं यूज होती है, लेकिन एनर्जी किस में यूज होती है, जब पानी एक्टिवली अब्जॉर्ब होता है तब एनर्जी इज यूज अप। सो मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ द सेल इज यूटिलाइज्ड इन द एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप डैश एज प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस। जब प्लाज्मोलिसिस हो रहा है तो इसका मतलब सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, डाइल्यूट है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, कैसी कॉन्सेंट्रेशन होगी। देखो प्लाज्मोलिसिस कब होता है, वेन वाटर, वेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो सेल जो अपना वाटर लूज करता है तो सेल की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगी या इट इंक्रीजेस। ठीक है, इट इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइपरटोनिक हो जाता है। व्हेन प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल द वाटर पोटेंशियल ऑफ द रूट सेल इज डैश्ड इन द सॉइल। अब देखो फिर से वाटर पोटेंशियल की बात आ गई। अब ये कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो सॉइल से पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है, रूट हेयर के अंदर पानी जा रहा है, तो इसका मतलब कहाँ का वाटर पोटेंशियल कम होना चाहिए, कहाँ का लोअर होना चाहिए, कहाँ का हायर होना चाहिए। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टू इट्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में वाटर मूव करता है। ठीक है, तो अब हम यह क्या पूछा जा रहा है, हमें ये पूछ रहे हैं कि सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करें रूट हेयर, तो रूट सेल का वाटर पोटेंशियल जो है वो सराउंडिंग सॉइल के कंपैरिजन में कैसा होगा। सो इट विल बी लोअर, लोअर होगा तभी तो बाहर से अंदर पानी आएगा, सो इट विल बी लोअर। द सोल्यूशन विच इज द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स एज इन साइड द सेल। सेल और सेल का बाहर का जो एनवायरमेंट है, जो सोल्यूशन है, सराउंडिंग सोल्यूशन, उनके अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक एनवायरमेंट या आइसोटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन की बात करें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। द कंडीशन ऑपोजिट टू टर्जिड, टर्जिडिटी की ऑपोजिट कंडीशन क्या होती है, टर्जिडिटी क्या है, व्हेन द सेल स्वेल्स अप वाटर एंड इट बिकम्स क्वाइट टर्जिड, है ना, पानी अब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। और एंडोस्मोसिस के ऑपोजिट क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है, जब सेल वाटर लूज कर रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ, रूट हेयर किसकी एक्सटेंशन होती है, रूट हेयर कहाँ से निकलता है, कौन से सेल्स हैं रूट के जो कि रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस, या फिर आप लिख सकते हैं एपिडर्मल सेल्स, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, एपिडर्मिस भी लिख सकते हैं, एपिडर्मल सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, वुडन डोर्स स्वेल अप इन रेनी सीजन ड्यू टू, अभी हमने बताया आपको कि वुडन डोर्स क्यों स्वेल अप हो जाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। नेक्स्ट, डैश द फिनोमेना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेल वॉल को छोड़ देता है, सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में हाइपरटोनिक सोल्यूशन भर जाता है, उस स्टेज को, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, the cell becomes plasmolyzed. Next, true false, mention whether following statements are true or false, or false hai to usko correct karke likhiye. First is plasma membrane is semi permeable, plasma membrane semi permeable hai, this is true. Isko semi permeable bhi bol sakte ho aap, isko selectively permeable bhi bol sakte ho, aur hum ek aur word jo use karte hain wo kya hai, differentially permeable. ठीक है, ये तीनों वर्ड्स में से डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सेमी परमिएबल आजकल हम लोग ये साइंटिफिकली ये टर्म कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन वाटर। अगर हमने सेल को कॉन्सेंट्रेटेड या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो प्लाज्मोलिसिस होता है, उसी सेल को हम विद इन सम टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड्स, अगर हम फ्रेश वाटर में, सिंपल नॉर्मल वाटर में रख देंगे तो डी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, एंड विल द सेल विल रीगेन इट्स शेप। ज़्यादा देर तक अगर प्लाज्मोलाइज रहेगा तो इट विल डाई। तो डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन वाटर, दिस इज true.
वॉल प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल वॉल ओवर द सेल कंटेंट्स. वॉल प्रेशर बाहर से जो सेल वॉल जो प्रेशर एग्जर्ट करती है अपने सेल कंटेंट पे उसको हम बोलते हैं सेल वॉल या वॉल प्रेशर. ठीक है, वॉल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नली होता है, दिस इज ट्रू. और अंदर जो सेल कंटेंट जो वॉल पे एग्जर्ट करते हैं दैट इज द स्टीपी और टर्गर प्रेशर. दोनों दे आर द ऑपोजिट इन डायरेक्शन. पैसिव अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एनर्जी. नो, दिस इज फॉल्स. पैसिव अब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. इट इज द एक्टिव अब्जॉर्प्शन दैट रिक्वायर्स एनर्जी. फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप. फ्लोएम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप. फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. राइट, तो आप इस सेंटेंस में, ये तो फॉल्स है, ठीक है, आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं. या तो आप फर्स्ट वाला वर्ड चेंज कर दीजिए, लास्ट वाला चेंज कर दीजिए. मतलब अगर आप फ्लोएम चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप असेंट ऑफ सैप को चेंज करके लिख दीजिए, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. या फिर आप असेंट ऑफ सैप को ऐसे ही लिखे रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप. मतलब फ्लोएम को चेंज कर दीजिए, एज यू विश. दोनों चीज़ें करेक्ट हैं. द फुली एक्सपैंडेड सेल ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड टर्जिट. जो फुली एक्सपैंडेड स्टेट होती है एक सेल की, उसको हम बोलते हैं कि सेल टर्जिट स्टेट में है. दिस इज ट्रू. बाय एक्सोस्मोसिस वाटर एंटर्स इनटू द सेल. नो, बाय एंडोस्मोसिस इट एंटर्स द सेल. तो ये फॉल्स हो गई. और अगर आपको एक्सोस्मोसिस को रखना है तो आप लिख दिए वाटर लीव्स द सेल. बाय एक्सोस्मोसिस वाटर लीव्स द सेल. दोनों चीज़ें आप ऑल्टर करके लिख सकते हैं. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर. जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है किसी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑस्मोसिस के थ्रू, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. दिस इज ट्रू. एन एग मेम्ब्रेन अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्ट्स टू पास थ्रू इट. एग मेम्ब्रेन जो है कैसी होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है या डिफरेंशियली परमिएबल होती है. सो दिस इज फॉल्स. इट अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सम ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट सिंस इट इज अ डिफरेंशियली परमिएबल और अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, द अपवर्ड, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे एग मेम्ब्रेन की जगह उसका वॉल लिख सकते हैं, द वॉल. लेकिन सेल वॉल तो होती नहीं है यहाँ पे, प्लांट सेल की बात नहीं हो रही, एनिमल सेल की बात हो रही है, तो यही वाला चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज गटेशन. नो, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जाइलम ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज नोन एज असेंट ऑफ सैप. ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम. गटेशन क्या होता है, जब रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. रूट प्रेशर मतलब पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया रूट ने और ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा. तो वो क्या होता है कि जैसे सपोज ये लीव्स हैं, तो लीव्स के ना मार्जिन्स पे, यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वेन्यूल्स के थ्रू यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन. ठीक है, इसको हम गटेशन बोलते हैं. अच्छा, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो ओस की बूंदें होती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है. ये गटेशन अलग है. वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें ऊज आउट होती हैं फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स. एंड दिस मेनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट. जबकि वाटर अब्जॉर्प्शन तो हो गया है, लेकिन रात का समय है या अर्ली मॉर्निंग है या पूरी रात में प्लांट ने वाटर अब्जॉर्ब किया, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं हुई बिकॉज देयर इज नो सन देयर. तो वो वाटर क्या होता है, एक्सेस ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो इट ऊजेज आउट फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द लीव्स. दैट इज वाई दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स. रात भर का पानी जो है वो अर्ली मॉर्निंग में रिलीज हो जाता है. दिस प्रोसेस नोन एज गटेशन. यहाँ पे गटेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच में देखो डिफरेंस है. गटेशन में इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग व्हेन द सन इज नॉट देयर. ठीक है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग. एंड इसमें वाटर इज लॉस्ट एज वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, रूट प्रेशर की वजह से. जबकि ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन में वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सन. वहाँ पे वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर इज लॉस्ट एज लिक्विड वाटर. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में. ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में देखिए कॉलम वन एंड टू में क्या दे रखा है. सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे. जाइलम क्या करता है, अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. सिंपल. फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, तो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ सैप. ठीक है, सैप जो फूड जो है. नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन. डाउनवर्ड फ्लो क्यों है फ्लोएम का, क्योंकि ना जो फूड है वो मेनली लीव्स में सेंस होता है. लीव्स जो ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ स्टेम और रूट्स वगैरह होते हैं, तो डाउनवर्ड फ्लो होता है. सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल.
रूट प्रेशर किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से. एंड लास्ट वन इज सेल वॉल इज परमिएबल. ये तो बड़े सिंपल से थे हमारे सारे. नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस इज इट टेक्स प्लेस इन हाइपरटोनिक मीडियम. अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा. आपको सुनते ही दिमाग में आ जाने चाहिए सारे ऑप्शंस. टर्गर प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय सेल सैप ऑन सेल वॉल. ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, सेल वॉल बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है. फ्लोएम, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट इज इम्बिबिशन. इम्बिबिशन मीन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लिविंग और डेड सेल्स ऑफ प्लांट्स. क्योंकि जब हम लकड़ी के दरवाजे की बात करें, खिड़की के दरवाजे फूल जाते हैं बरसात के मौसम में, टाइट बंद होती है ना, कुछ विंडोज क्लोज नहीं होते हैं, डोर्स क्लोज नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो द सेल माइट बी डेड और लिविंग. ओके नेक्स्ट वन मार्क क्वेश्चन पे आ गए हम. नेम द फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स अब्सॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. अभी हमने जो बोला इम्बिबिशन, इम्बिबिशन इज द फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड सेल्स प्लांट डेल्स डेड प्लांट सेल्स दे अब्सॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. जो सुपरफिशियल, जो सरफेस का जो अट्रैक्शन होता है उसके थ्रू. गिव बायोलॉजिकल रीजन बाय वुडन फ्रेम्स. अगेन इम्बिबिशन हो गया. सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, क्वेश्चन चेंज हो गया है. बोर्ड में आए हुए ये सारे क्वेश्चन. ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोसिस. द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन लिखेगा. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस ये लिख देते हैं डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो इतने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको वो डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को मेंशन करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट हेयर किस प्रोसेस से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं? देखो अब ये इन्होंने पूरी प्रोसेस पूछी. इन्होंने ये नहीं बोला कि सबसे पहले अब्सॉर्प्शन किससे होता है. सबसे पहले तो इम्बिबिशन के थ्रू होता है ना, फिर ऑस्मोसिस होता है. तो अब यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस लिखा है कि रूट हेयर अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. आप इसमें भी दोनों चीज मेंशन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इट इज बाय इम्बिबिशन, देन द प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू ऑस्मोसिस. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. दोनों की डेफिनेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है तो बहुत आसान है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन. एंड इट मे बी इन गैसेस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स. ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब दोनों जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, दे हैव बीन सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज डिफरेंशियली परमिएबल और सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल. सो दिस इज ऑस्मोसिस. नेक्स्ट, गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिवली. तो हमारे सेल में ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन अलाउ करती है? दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक और वर्ड बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं हम उसको. नेक्स्ट, गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर अ सॉल्यूशन इन विच द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द सेम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारी मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके दोनों तरफ जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं ऐसे सोल्यूशन को? वी कॉल देम आइसोटोनिक सोल्यूशंस. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेस ऑफ वाटर इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो दे रखा है उसके बेस पे डिफरेंशिएट करिए. हाइपोटोनिक एंड हाइपर सोल्यूशन कंडीशन ऑफ अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन दीज सॉल्यूशंस. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को प्लेस करेंगे तो इट विल अब्सॉर्ब वाटर एंड इट विल बिकम टर्जिड. टर्जिडिटी की स्टेट को अचीव करेगा, वाटर का इनफ्लो होगा. ठीक है, और अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो इट विल लूज वाटर एंड इट विल बिकम फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा सेल. When a plant cell is placed in hypertonic solution, it becomes turgid due to endosmosis. पानी अंदर एंटर करेगा. When it is placed in hypertonic solution, it becomes flaccid or plasmolyzed due to exosmosis. Deplasmolyzed नहीं, plasmolyzed. ये डी वर्ड यहाँ से हटा दीजिए. ठीक है, ड्यू टू एक्सोसमोसिस. नेक्स्ट,
करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स. अब आपको ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसको चेंज करना है और करेक्ट करना है स्टेटमेंट को. द सेल सैप ऑफ रूट हेयर इज हाइपोटोनिक. सेल सैप रूट हेयर का हमेशा हाइपरटोनिक होता है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है मिनरल्स की, पानी की कम होती है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सॉइल सोल्यूशन. सो इट इज़ नॉट हाइपोटोनिक, इट इज़ हाइपरटोनिक. और इसी वजह से रूट हेयर जो है पानी को अब्जॉर्ब करते हैं. अगर हाइपो होगा तो फिर वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, फिर तो पानी रूट हेयर से बाहर निकल जाएगा. नेक्स्ट, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स स्टार्च फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. जाइलम जो है वो स्टार्च को ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो क्या करता है पानी को ट्रांसफ़र करता है, वाटर का ट्रांसफ़र करता है, जो फ्लूइड्स हैं उनका ट्रांसफ़र करता है. यहाँ पे हमारी जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की बात हो रही है तो दैट इज़ डन थ्रू फ्लोएम. फ्लोएम जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप. ये दो चीज़ें बिल्कुल आप याद रखिएगा, असेंट ऑफ सैप. ये टर्म्स ना कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि असेंट ऑफ सैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. देखो ये 2018 का क्वेश्चन है. असेंट ऑफ सैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम. और फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ठीक है, ये भूलना नहीं है, फूड. नेक्स्ट, गिव अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग. टेक्निकल टर्म बताइए. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मतलब कोई बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूजन. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट. री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय चेंजिंग इन करेक्ट है, इसको चेंज करके लिखिए. फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. नो, फ्री मूवमेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू सेल वॉल. सेल वॉल के थ्रू फ्री मूवमेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड सिंस इट इज डिफरेंशियली परमिएबल. नेक्स्ट इज give reasons for the following. Potato cubes when placed in water they become firm and they increase in size. Potato cubes को जब पानी में रखते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है वो hypotonic solution की तरह act करता है. Potato के अंदर minerals होते हैं तो वो osmotically active हो जाते हैं and they absorb water from their surroundings. Inflow होता है water का, endosmosis होता है, so the cubes become firmer and somewhat inflated in size. So that is the reason. Next, name the pressure exerted by cell contents on a plant cell wall. Cell wall पे जो pressure exert कर रहे हैं cell contents. देखो cell wall हो गई, ये cell membrane हो गई. अब pressure कहाँ से कहाँ exert कर रहे हैं? Cell content बाहर की तरफ pressure exert कर रहे हैं cell wall पे. तो ये pressure कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा turgor pressure. और जो वॉल अंदर की तरफ एग्जर्ट करेगी दैट विल बी वॉल प्रेशर. ध्यान रखिएगा, दीज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. और ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो सेल के अंदर सेल अपनी स्टेट को मेंटेन करता है, इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है किसी भी मटेरियल का. सो टर्गर प्रेशर हो गया. टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय सेल कंटेंट्स ऑन अ प्लांट सेल वॉल. डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर. जब भी मैंने आपको समझाया प्रेशर अगेंस्ट बाय द प्रोटोप्लाज्म, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इज द टर्गर प्रेशर. अंदर से बाहर की तरफ होता है, इट इज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटसाइड ऑफ द सेल. एंड वॉल प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर टू इनर साइड होता है. ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. नेम द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ मिनरल आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल. एक ही प्रोसेस है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है तभी मिनरल आयंस अब्जॉर्ब होते हैं. स्पेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. सेल इसमें एनर्जी स्पेंड करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव में डजंट स्पेंड एनर्जी. नेक्स्ट, द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी इन्वॉल्व्स टू फोर्सेज. आइडेंटिफाई दीज फोर्सेज. जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव एडहेसिव थ्योरी, है ना, एडहेशन कोहेशन थ्योरी. तो एडहेशन और कोहेशन यहाँ पे दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं. एडहेशन और कोहेशन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ. एडहेसिव फोर्सेस वो होती हैं जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में होती हैं, उनको हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं. जैसे कि आपने फेविकोल पे लिखा हुआ देखा होगा, फेविकोल आप यूज़ करते हैं उस पर लिखा होता है इट इज़ एन एडहेसिव. एडहेसिव का मतलब हो गया वो डिफरेंट सर्फेसिस को ग्लू करने में काम आता है, होल्ड टुगेदर करने में काम आता है, तो दैट दे आर एडहेसिव फोर्सेस. तो एडहेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की कॉलम के बीच में.
जाइलम का जो कॉलम है, जाइलम के मॉलिक्यूल्स जो हैं और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। और कोहेशन क्या होता है, जो आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में जो अट्रैक्शन होता है, दे रिमेन टुगेदर, वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेशन। नेक्स्ट, हाउ डज मोस्ट ऑफ द वाटर मूव विद इन द रूट, रूट में पानी कैसे मूव करता है, अलग अलग थियोरीज हैं। वैसे इम्बिबिशन के थ्रू पहले आया, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर गया। मूव कैसे कर रहा है, मूव कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन एंड एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंशिएट करिए ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्निफिकेंस इन प्लांट्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ मिनरल आयंस बाय रूट्स थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम कॉलम। बहुत ज़रूरी है, मिनरल आयंस नहीं, मिनरल आयंस नहीं होंगे तो प्लांट्स में बहुत सारी इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट इंटीरियर एंड आउटसाइड। जो डिफ्यूजन है गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। नेक्स्ट, गिव बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग, प्लांट्स ग्रोइंग इन फर्टिलाइज सॉइल्स आर ऑफन फाउंड टू बी विल्ट इफ द सॉइल इज नॉट एडिक्वेटली वाटर। दिस वॉज आस्ट इन 2018, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अलग अलग तरीके से मोल्ड करके पूछा जाता है। बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्या कह रहे हैं कि सॉइल को हमने फर्टिलाइज किया, उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, मतलब ऐसे कुछ मिनरल्स डाले हैं जो कि ऑस्मोटिकली एक्टिव है, लेकिन हमने प्लांट को वेल वाटर नहीं किया, सॉइल में पानी नहीं डाला। तो अब क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, प्लांट विल लूज वाटर, क्योंकि जो मिनरल कंटेंट है वो सराउंडिंग सॉइल में ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो प्लांट की बॉडी है, जो उसके रूट के टिश्यूज हैं उसमें। तो प्लांट में जो वाटर मिनरल कंटेंट बाहर ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी तो प्लांट के अंदर ज़्यादा हो गया, तो रूट से पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो सारे मिनरल्स जो हैं दे आर ऑस्मोटिकली वेरी वेरी एक्टिव, सो दे विल अट्रैक्ट दोज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे रूट हेयर जो है या प्लांट के जो रूट है, इट विल लूज वाटर, एंड वो वाटर लूज करेगी तो प्लांट ऑब्वियसली विल्ट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक रीजन। तो इसीलिए जब भी फर्टिलाइजर एड ऑन किया जाता है तो देन द सॉइल has to be well watered, otherwise the plant will wilt or the cells will shrink. So this is explained in this paragraph. If the soil is fertilized and not well watered, the concentration of the soil solution will be very high and water begins to move from the root hair cells to the soil due to exosmosis. If this process continues for a long time, plasmolysis will take place and it will lead to wilting of leaves. ये आपके 1 mark question finish हो गए, अब 2 marks questions पे आते हैं हम, ये थोड़े से ही हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी मैं 2 parts में ही डिवाइड करके करूँगी, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो, तो 2 marks करके हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 2 इम्पॉर्टेंट डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो गैसेज एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है फॉर द वेरियस प्रोसेसेस, आपकी रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, सब कुछ इसके थ्रू हो रहा है। आयंस आर अब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यूरिंग पैसिव सॉल्ट इंटेक, आयंस भी अब्सॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट, टर्गर प्रेशर के फंक्शन बताइए। टर्गर प्रेशर की वजह से एक तो प्लांट में मूवमेंट होता रहता है, दूसरा सेल जो है अपनी शेप मेंटेन करता है, सेल एनलार्ज होते हैं। नेम द फॉलोइंग द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज फ्लोएम। रूट हेयर किस सेल्स की एक्सटेंशन होती है, एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन होती है, मतलब जो एपिडर्मिस वाले सेल्स होते हैं वही एक्सटेंड होकर रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, गिव वन रीजन फॉर द फॉलोइंग, विल्टेड लिटियस लीव्स इफ केप्ट इन कोल्ड वाटर बिकम क्रिस्प। अभी जो वो हमने बताया था कि विल्टेड लीव्स हैं उनको ठंडे पानी में रखा तो वो क्रिस्प हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। विल्टेड फ्लैसिड क्यों है, क्योंकि दे हैव लॉस्ट वाटर, जब उनको पानी में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस होगा एंड दे विल बिकम टाइट एंड टर्जिड एंड क्रिस्प। नेक्स्ट, व्हेन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर एंटर्स द शुगर सॉल्यूशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है हमने 2 सॉल्यूशंस को, तो वाटर जो है वो शुगर सॉल्यूशन में एंटर कर जाता है। अब हम इस शुगर सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिकली एक्टिव बोलेंगे या इनएक्टिव बोलेंगे, क्यों? इट विल बी ऑस्मोटिकली एक्टिव, क्योंकि वाटर उसके अंदर एक्टिव एंटर कर रहा है, मतलब ऑस्मोटिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर की जो डायरेक्शन है वो शुगर सॉल्यूशन की तरफ है। तो जिस तरफ पानी जा रहा है वो चीज़ जो होती है, वो पार्ट जो होता है, दैट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, मतलब जो कंटेंट अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, इनफ्लो ऑफ वाटर को बुला रहा है अपनी तरफ, लेकर आ रहा है अपनी तरफ। व्हेन द 2 आर सेपरेटेड बाय अ डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन दैट पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है दैट इज सेड टू बी ऑस्मोटिकली एक्टिव।
तो यहाँ पे हमारा जो शुगर सॉल्यूशन है इट बिकम्स, वी कैन कॉल इट ऑस्मोटिकली एक्टिव, क्योंकि उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है एज कम्पेयर टू द प्योर वाटर, ठीक है, लोअर वाटर पोटेंशियल है. आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली. प्लांट्स ग्रोइंग इन फर्टिलाइज सॉइल आर ऑफन फाउंड टू विल्ट इफ द सॉइल इज नॉट एडिक्वेटली वाटर्ड. वाई, अभी इस क्वेश्चन को हम आंसर देख चुके हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट सॉइल सोल्यूशन हाई हो जाएगा, वाटर रूट हेयर सेल्स सॉइल में मूव करेगा एक्सोसमोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और ये प्रोसेस थोड़ी देर चलती रहेगी तो प्लाज्मोलिसिस होगा और सेल जो है सारे वो प्लाज्मोलाइज होकर और ऑब्वियसली दे विल कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स. नेक्स्ट, कंप्लीट द पाथवे ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन इन रूट्स. रूट हेयर में कैसे वाटर अब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर के थ्रू, ये पाथवे दिखा रखा है इसमें जो ABCD दे रखा है उसको आपको कंप्लीट करना है. रूट हेयर से पानी कहाँ जाता है, ए में, फिर बी में, बी से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से सी में, और फिर सी से स्टील और अल्टीमेटली जाइलम में जाता है. तो आपको ये बताना है, तो रूट हेयर, अब यहाँ पे ना आप जब देखो कॉर्टेक्स और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आपको पेरिसाइकिल वगैरह इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि पेरिसाइकिल क्या होती है, हाइपोडर्मिस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, जाइलम क्या होता है. तो सबसे पहले देखो रूट हेयर से एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस में फिर कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से जो पेरिसाइकिल जो एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल, उससे स्टील, स्टील वैस्कुलर बंडल्स को बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल के थ्रू वो जाएगा जाइलम में. नेक्स्ट, वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. प्लांट्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों चाहिए भाई, इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ प्लांट्स तो बहुत बहुत लंबे होते हैं, वेरी टॉल ट्रीज आर देयर, 10 meters, 15 meters की हाइट होती है, 50 meters की भी हाइट होती है कुछ ट्रीज़ की. तो इतने लंबा जो पेड़ है उसकी टिप तक पानी पहुँचाना है रूट को, कोई और तरीका नहीं है. हवा में से प्लांट पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एक ही तरीका है प्लांट के पास, नीचे से ज़मीन से पानी को अब्जॉर्ब करता है. तो इतने ऊपर तक पानी कैसे पहुंचेगा प्लांट में, कोई मैकेनिज्म चाहिए प्लांट के पास, कोई ऐसे पंप्स नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है जैसे वो वाटर को पंप कर देते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में ऊपर पानी चला जाता है, तो प्लांट डजंट हैव एनी सच मशीनरी. तो विच मैकेनिज्म इज देयर, तो हमारा जो मैकेनिज्म है दैट इज जो आपकी ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव थ्योरी है वही एप्लीकेबल है यहाँ पे, कि वाटर अब्जॉर्ब हुआ रूट्स के थ्रू. रूट हेयर जो है वाटर को सबसे पहले इम्बिबिशन के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं सरफेस से, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर. अब हम बात करें कि वो रूट जाइलम से, स्टेम के जाइलम से, लीफ के जाइलम में बिल्कुल ऊपर तक कैसे पहुँचता है, तो दैट इज़ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव थ्योरी, जो आप पढ़ चुके हैं कि जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है वाटर द जाइलम कॉलम लूजेज वाटर, और उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है जाइलम के कॉलम में, जहाँ पे कि उसकी वजह से वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जब उसकी वजह से प्लांट जो है नीचे से ज़मीन से पानी को अब्जॉर्ब करता रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है कॉलम की. इसमें कैपिलैरिटी एक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, कोहेसिव थ्योरी भी आ जाती है. कोहेसिव और रेडिएशन दोनों की थ्योरी यहाँ पर काम आती है. कोहेसिव थ्योरी क्या कहती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे टेंड टू रिमेन बाइंड टुगेदर, वो आपस में एसोसिएट होकर रहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस शो करते हैं, दे रिमेन कोहेस टुगेदर, कोहेशन शो करते हैं, ठीक है. और एडहेसिव थ्योरी क्या कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम के कॉलम से चिपक के रहना चाहते हैं, उसके साथ साथ ही रहना चाहते हैं, उसके अलॉन्ग मूव करते हैं. और कैपिलैरिटी एक्शन क्या है कि जाइलम जो जाइलम की जो वेसल्स हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, दे हैव अ वेरी वेरी थिन डायमीटर, डायमीटर बहुत कम होता है, तो वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत आसान हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड दिस आर इसेंशियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. तो ये क्या दे रखा है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड इन प्लांट्स बिकॉज सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड अक्रॉस वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक फ्लावर्स रूट्स लीव्स फॉर विच डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये जो प्रोसेसेस हैं ये दीज आर नॉट सफिशियंट, इनमें इतनी पुश नहीं है कि ये वाटर को इतनी दूर तक ट्रांसफर कर सकें, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दीज जो हमारी थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव थ्योरी, ये बड़ी एप्लीकेबल है एंड इट इज़ टिल डेट इट इज़ फाउंड टू बी द बेस्ट थ्योरी ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अक्रॉस द टिप्स ऑफ टॉलेस्ट ट्रीज. सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. इसके बाद आपके 3 marks और 5 marks के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रह गए, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दिस इज अदरवाइज दिस विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर. सो आप लोग देखिए इसको एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू टेल मी इफ यू फेस एनी इश्यूज. टेक केयर.